Let's start with the ionic radii. Okay, so we have done till atomic radius. हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना सीख लिया है, राइट? नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द सम ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, तो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने एटॉमिक रेडियस कर ली है. नाउ द सेकंड वन इज द आयनिक रेडियस. ओके, द मीनिंग इज इटसेल्फ क्लियर फ्रॉम द वर्ड आयनिक रेडियस. दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट द आयंस. ओके, आयंस मींस we are talking about here the cations and the anions, the positively charged species and the negatively charged species. For example, if we take NaCl, okay, for example, if we take the example of NaCl, that is having Na positive and Cl negative. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ions हैं. अब ionic radii हम कैसे लेंगे? Same case है. Let's suppose this is the electron cloud for the sodium and this is the electron cloud for the chlorine. So again we will be taking their internuclear distance and is internuclear distance say hum cation ka radius nikal lenge and we will be finding the radius of the anion. So in this way the ionic radii it can be basically experimentally find out, right? Now what about the trends? The ionic radii it follow the same trend as the atomic radii. So trend बिल्कुल same है that along the period क्योंकि nuclear charge ज़्यादा है atomic radii कम होगा and same is the ionic radii. Okay, and down the group group की तरफ क्योंकि size बढ़ रहा है, ठीक है, तो ionic radii भी जो है वो increase कर जाएगा. Okay, but the most important thing here is about the cations and the anions. यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एटम, राइट? सो कहते हैं कि क्यों कैटायन का जो रेडियस है उसके न्यूट्रल एटम से कम होता है. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द सोडियम, sodium is having the configuration of this 1s2 2s2 2p6 3s1, right? If I am going to remove one electron from here, it will be forming Na positive plus one electron, and by donating one electron or by losing one electron, its configuration it will become 1s2 2s2 2p6. That means this extra subshell it is gone now. ये जो इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन थे अब वो चली गई है. यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं सबशेल्स को तो ऑलरेडी उसके पास 1 2 3 4 सबशेल्स थी पहले, ठीक है, इट वाज हैविंग 4 सबशेल्स, बट व्हेन दिस 3s सबशेल इट इज रिमूव्ड तो अब उसकी जो सबशेल्स रह गई हैं वो 3 रह गई हैं. तो हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का लेते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल तक, ठीक है. अब आउटर मोस्ट शेल पहले इतनी थी, अब जब एक रिमूव कर दी मैंने तो कैन यू सी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जो रेडियस है वो कम हो जाएगा. तो इसीलिए जो कैटायन का रेडियस है वो हमेशा कम होता है उसके एटम से, बिकॉज हियर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स द और यू कैन से द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द वेलेंस शेल, ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ शेल्स दे डिक्रीजेस. So there is decrease in the number of the shells. तो इसीलिए यहाँ से एक shell remove होने के कारण जो उसका distance है, जो उसका radii है, वो कम हो जाता है. But this trend is opposite for the anion. ये trend जो है वो anion के लिए opposite है. So the radius of anion is larger than the atom. अब न्यूट्रल एटम से कहते हैं कि जो एनायन का रेडियस है वो ज्यादा है. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं. क्लोरीन आफ्टर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स सीएल नेगेटिव, ठीक है,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यही होगी कॉन्फ़िगरेशन 17 की, देखिए। ठीक है, अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इट इज फॉर्मिंग दिस, यानी कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है वो किसी एक्स्ट्रा शेल में ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा शेल वाला कंसेप्ट नहीं देखेंगे, राइट, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो सेम सब शेल में ही एड अप हो गया। सो यानी कि जो एक्स्ट्रा सब शेल वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, नाउ व्हाट इज द लॉजिक हियर, कि क्यों इसका जो डिस्टेंस है वो कम है, सॉरी ज्यादा है, एनायन का जो रेडियस है वो क्यों ज्यादा है। अब देखो, इनिशियली द न्यूक्लियर चार्ज इट वॉज स्प्रेड ऑन द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पहले जो चार्ज था वो 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर था, यानी कि न्यूक्लियस पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ध्यान दे रहा था। विद द इनकमिंग ऑफ द 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण अब जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन द 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ द न्यूक्लियर चार्ज इट इज कंसंट्रेटेड ऑन द 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो गया है, दैट डिक्रीज। ठीक है, आगे न्यूक्लियस जो था वो 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोकस कर रहा था, अब न्यूक्लियस जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोकस कर रहा है, दैट मींस ओवरऑल जो उसका इफेक्टिव चार्ज है अब वो कम हो गया है 1 इलेक्ट्रॉन के आने से। ठीक है, तो दैट मींस नाउ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, दैट देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्लाइटली अपने आप को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है अब वो कम है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण वो अपने आप को थोड़े से डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द रेडियस ऑफ द एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम। हाँ जी, क्लियर बेटा? ओके, ठीक है, अब हमने दोनों चीजें तो पढ़ ली हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच इज हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस और स्मॉलेस्ट साइज, और किसका जो साइज है वो ज्यादा होगा। ओके, सो एमजी, एमजी टू पॉजिटिव, एएल एंड एएल थ्री पॉजिटिव, आपके पास ये चार चीजें दी हुई हैं। ओके, राइट, एंड यू हैव टू टेल मी वेदर और व्हिच ऑफ दीज आर द लार्जेस्ट साइज एंड व्हिच इज having the smallest size, इन चारों में से बताना। ठीक है, think a while, तब तक मैं राघव को दोबारा समझा देती हूँ कि टाइम का, राघव सॉरी वैभव को दोबारा समझा देती हूँ कि टाइम का। वैभव, क्या हो रहा है कि टाइम के केस में एक एक्स्ट्रा शेल जो है दैट इज बेसिकली लूजिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी टेक द डिस्टेंस और द रेडियाई सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का हम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अब जब ये शेल ही रिमूव हो गई है, एक अब एक शेल ही रिमूव हो गई है, तो कैन यू सी कि ये डिस्टेंस भी कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो कैटायन है उसका साइज हमेशा उसके एटम से कम होता है, क्योंकि जैसे ही कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक जो एक्स्ट्रा शेल है, ठीक है, वो जो है वो लॉस हो जाती है। ओके, ड्यू टू विच द साइज डिक्रीजेस। ठीक है वैभव? हाँ जी बेटा, टेल मी आउट ऑफ दीज 4 विच इज हैविंग द लार्जेस्ट साइज एंड विच इज हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। Mg will having the largest size and Al3 positive will having the smallest size. Very good. ठीक है जी, जो अभी हमने किया है उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, साइज होगा। ठीक है जी, ओके, सो Mg इट विल बी हैविंग द लार्जेस्ट साइज एंड Al3 पॉजिटिव इट विल बी हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ
two properties we have studied, atomic radii and ionic radii. Now coming to the third one, that is also very, very important, that is the ionization enthalpy. Their definitions, they can also be asked. ठीक है, आपसे इनकी definitions भी पूछ सकते हैं. Enthalpy कह लो या potential भी कह सकते हैं हम इसको, ionization potential. अब definition हमने बहुत ध्यान से लिखी है. ठीक है, what is the definition? It is the minimum amount of energy. ठीक है, सबसे पहले कम से कम energy है, minimum amount. ठीक है, और ये energy जो है that is needed. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड. क्यों चाहिए, क्यों हमें ये एनर्जी चाहिए? टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. हमने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, ठीक है, और दैट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लूजली बाउंड टू इट्स न्यूक्लियस. ठीक है, किस में से करवाना है? अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम अ न्यूट्रल. ठीक है, हम न्यूट्रल एटम्स की ही बात करते हैं. एंड दैट एटम इज बेसिकली प्रेजेंट इन द गैशियस स्टेट. फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है, टू फॉर्म अ कैटायन. अब क्या है डेफिनेशन में? पहले तो मिनिमम अमाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमेशा, हमने सप्लाई करनी है, वी विल बी सप्लाइंग दिस एनर्जी. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड. किसको रिमूव करवाना है? मैंने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है. कहाँ से कराना है? अगेन दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे. न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने न्यूट्रल एटम को किस स्टेट में लेके जा रहे हैं? गैशियस स्टेट में बात कर रहे हैं. नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द गैशियस स्टेट? बिकॉज इन द गैशियस स्टेट व्हाट इज देयर, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और यू कैन से इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होती हैं गैसेस में बहुत कम होती है. ठीक है, जो एटम एटम की जो फोर्सेस है, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, वो गैस में बहुत ज्यादा कम होती है. तो हमें भी तो वही चाहिए कि अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम हो, ताकि हम अपने न्यूक्लियस को इजीली बाहर निकाल सके. ठीक है, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर. हमें भी तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो कम चाहिए, ताकि हमें बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो, बिल्कुल कम से कम एनर्जी हम उस एटम को दें दैट इज प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड गैशियस स्टेट, सो दैट वन इलेक्ट्रॉन इट कैन बी लूज. ठीक है, सो दैट वन इलेक्ट्रॉन इट कैन बी मूव आउट फ्रॉम दैट एटम. ठीक है जी, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मैं क्या कह रही हूं, दैट from the atom, from the neutral atom that is basically present in its gaseous state, okay, it loses one electron to form the positive ion, that too in the gaseous state plus electron. ठीक है, कोई भी a element ले लेते हैं तो a positive बनाएगा और उसने एक electron दे देगा. Okay, and this energy it is measured in kilojoules per mole. It is measured in kilojoules per mole. ठीक है, अब उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि ये वाला जो एक एटम है ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट इज नॉट नेसेसरी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो थ्री पॉजिटिव बनाता है, तो दैट मीन्स एल्यूमिनियम ने पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, राइट? एल्यूमिनियम इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन. And then the aluminium positive, it is going to again lose one electron. ठीक है, then this two, it again lose one electron to form three Al3 positive. So this we called as successive ionization enthalpies. सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है.
ओके, इट इज लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन एट ईच स्टेप, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं आपको यहाँ पर वैल्यूज बताती हूँ, बिकॉज वी विल बी स्टडिंग की वैल्यूज जो है वो कैसे चेंज हो रही है। फर्स्ट के लिए 577 वैल्यू है, सेकेंड के लिए ये वैल्यू है, ओके, द थर्ड इज 2744 किलो जाउल पर मोल। नाउ यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी टू द सेकेंड वन, और सेकेंड से जब आप थर्ड में जा रहे हो तब भी ये जो चेंज है दैट इज ह्यूज। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि क्यों ये वैल्यूज जो है आयोनाइजेशन की, ये जो वैल्यूज हैं ये क्यों बढ़ रही है। हाँ जी, सो वाई देयर वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यही कह रहे हैं ना कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उससे ज्यादा है, थर्ड उससे भी ज्यादा। ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इट, ये वैल्यू क्यों बढ़ रही है, ठीक है। तो हम वो स्टडी करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है और ये वैल्यूज जो है वो क्यों बढ़ रही है, ठीक है। सो लेट अस स्टडी फर्स्ट अबाउट द एटॉमिक साइज, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज। अब देखो साइज की बात करते हैं, अगर साइज ज्यादा है तो नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा होंगी, राइट। इफ साइज इज मोर दैट मींस नंबर ऑफ शेल्स विल बी मोर, यही बात होती है ना कि शेल्स ज्यादा हुई इसीलिए उसका साइज जो है वो ज्यादा होगा, यहाँ पर शेल्स कम है इसलिए उसका साइज कम है, ठीक है। नाउ हाउ दिस इज रिलेटेड टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मैंने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लूजली वाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना, अगर तो इस इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा, अगर साइज ज्यादा है, इफ द एटॉमिक साइज इज मोर दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर, तो मैं उस इलेक्ट्रॉन को इजिली निकाल सकती हूँ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा है तो मैं इजीली उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस अपना चार्ज उसके ऊपर उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेगा। बट अगर ये साइज कम है, इफ द साइज इज लेस, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है वो उसको टाइटली होल्ड करके बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ओके, दैट मीन्स मैं उस इलेक्ट्रॉन को इजिली नहीं बाहर निकाल सकती, ओके। तो अगर साइज ज्यादा हुआ, इफ साइज इज मोर, क्या कह रही हूं मैं, इफ साइज इज मोर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस, इफ साइज इज मोर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस, ठीक है कि नहीं। अगर साइज ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो उस इलेक्ट्रॉन को इजीली बाय प्रोवाइडिंग अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो लगेगी वो कम लगेगी। बट अगर साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, मुझे उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि मैं उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की पहले जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ू एंड देन आई विल बी एबल टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, ओके। द सेकेंड थिंग इज अब जो मैंने एल्यूमिनियम वाली आपको एग्जांपल दी है, एल्यूमिनियम में हम साइज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, Al, Al2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव, इन सब में साइज का ही फर्क पड़ा ना, Al3 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा इसलिए उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सबसे ज्यादा है, गेटिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज अभी हम पढ़ के आए हैं कि कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट से कम होता है, पेरेंट एटम से, ठीक है, तो Al3 पॉजिटिव का साइज जो है वो सबसे कम होगा, ओके, तो इसीलिए जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर, द नेक्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज। अब सेम चीज जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रॉन को इजिली बाहर निकालने नहीं देगा, ठीक है, तो हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाए। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इजी। उसके बाद आता है थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो हम पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर में, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड करना यानी कि बचाना, कौन किसको बचा रहा है? हाँ जी, कौन किसको बचा रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के चार्ज से। ओके, अब इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर, देखो ये न्यूक्लियस है, ये बीच वाली शेल्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। अगर शील्डिंग ज्यादा हुई, अगर शील्डिंग ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, सो व्हाट विल हैपन? इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोकस होगा वो कम होगा। हाँ जी, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोकस होगा वो कम होगा, क्योंकि जो अंदर वाले शेल्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उसको शील्ड कर रहे हैं। ओके, सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस इज लेस, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, एंड यस वेरी गुड रमन जी, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो सेफ है, सेफ है डेट मीन्स इजीली निकल सकता है। गेटिंग द पॉइंट? अब हम पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा स्क्रीन कौन करता है, हु इज हैविंग मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा पास होते हैं न्यूक्लियस के, देन p, देन d एंड देन f। तो f वालों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो मोर है, और p वालों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है दैट इज लेस, ठीक है। तो S वालों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, F वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा स्क्रीन करते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से ज्यादा बचाते हैं, ठीक है, गेटिंग? क्योंकि S इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, ज्यादा फ्रेंडली है मतलब न्यूक्लियस से, तो वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं मतलब इजिली घुमा देते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली बाहर निकल सके। ओके, तो ऐसे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद पी का डी एंड एफ दे आर हैविंग वेरी लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now what is the meaning of penetration? Penetrate करना means कितना वो deep है, किसका कितना वो ज़्यादा अंदर है, ठीक है, अंदर किसके हैं? That means we are talking about here the inner electrons. That we called as penetration effect. ठीक है, penetration effect का मतलब क्या है कि वो electron जो है वो कितना अंदर तक penetrate कर रहा है. Okay? So here again we will be talking about the s P, B and F electrons. ठीक है, हम यहाँ पर S, P, D, F electrons की बात करेंगे। अब you know जब हमारी configuration start होती है तो बिल्कुल first shell में कौन से electrons हम लिखते हैं? 1s2, यानी कि S electrons लिखते हैं, ठीक है ना? Very first electronic configuration that is basically filled from the S orbitals. तो S electrons जो हैं वो nucleus के ज्यादा पास होते हैं, S electrons they are more close to the nucleus,
ठीक है, एस इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब आप मुझे कहो कि हमने एस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना है, तो मैं आपको क्या कहूंगी, अरे वो तो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज हियर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एस इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी वेरी वेरी हाई। गेटिंग, समझ रहे हो? अगर मैंने एस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एस इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास पड़े हुए हैं, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि मैं उसको रिमूव करवाऊं। ठीक है, तो उस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो हम यहां से क्या डिड्यूस करते हैं, सो व्हाट वी डिड्यूस फ्रॉम हियर, मोर इज द पेनिट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर है मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, उतनी ही ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए, ओके, टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा यहां तक? इज इट क्लियर टिल नाउ? So what can be the different factors that are affecting the ionization energy? Coming to the last factor and that is also very very important, बहुत जगह हम use करेंगे, symmetrical configuration. So if you remember when we did the last chapter, we studied about the half filled and the fully filled configuration. We said these configurations they are very very stable. जैसे मैं p की ही बात करूं तो हर एक p orbital में एक एक इलेक्ट्रॉन है, that is the half filled, और हर एक p orbital में दो दो इलेक्ट्रॉन है, that is the fully filled configuration. ठीक है, तो जहां पर भी symmetrical configuration आ गई, हाँ जी दिया, yes. So penetration means वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना अंदर है, न्यूक्लियस के कितना पास है. ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन दैट इज मोर नियर टू द न्यूक्लियस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट, क्योंकि हमने तो न्यूक्लियस से इसको दूर लेके जाना है, एंड यू नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे आर हैविंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो हमने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, तो हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए, ओके, उसको तोड़ने के लिए. सो व्हेन एवर वी आर हैविंग द सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन, यहां पर हम उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, उन एटम्स की बात कर रहे हैं विच आर हैविंग द हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, तो फुली फिल्ड में हम नोबल गैसेस भी लेके चलते हैं. ठीक है, वी टॉक अबाउट द नोबल गैसेस हियर आल्सो, ओके, तो जिनकी सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन है वो तो ऑलरेडी स्टेबल है. अगर आप किसी स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना चाहते हो तो क्या उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? ऑलरेडी पहले चीज स्टेबल है तो वो कहेगी आई एम स्टेबल, मैं क्यों अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अनस्टेबल बनू. ठीक है ना, तो बट हमें तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, दैट मींस द आयनाइजेशन एनर्जी इट विल बी वेरी वेरी हाई. सो इफ वी आर हैविंग द सिमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन लाइक हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन एंड फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, इन दैट केस द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इट विल बी वेरी वेरी हाई. ठीक है, ओके, सो जितनी ज्यादा सिमेट्री उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, तो हमने प्लॉट किया, ओके, वी प्लॉट फॉर द वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट 60 एलिमेंट्स, जहां पर हमने फर्स्ट 60 एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी और उनके एटॉमिक नंबर का ट्रेंड स्टडी किया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए. तो जो ट्रेंड था इट वॉज लाइक दिस, राइट, तो इट वॉज लाइक दिस, जहां पर पीक पॉइंट्स पे वेयर द पीक पोजिशंस दे वर ऑक्यूपाइड बाय द नोबल गैसेस. ठीक है, और जो बिल्कुल लो पोजिशंस थी
the low positions they were actually occupied by the alkali metals. अब इसका मतलब क्या है? Helium, neon, argon, krypton, they are having very high values of ionization potential. But यही अगर मैं ionization potential इनकी देखूं, तो इनकी ionization potential की values बहुत कम है इनके comparison में. यानी कि जो noble gases हैं, वो जल्दी electron lose नहीं करती हैं, इसलिए they are having more ionization energy. But on the other hand, if we talk about the alkali metals, ये alkali metals हैं ना, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. तो ये जो है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दैट मींस इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, कम है. ओके, राइट, ठीक है जी. नाउ यू हैव टू गिव मी द रीजन. दे आर सेइंग दैट द ionization energy of beryllium is more than boron. अच्छा एक बात और, we forget to discuss the trend along the period and down the group. ठीक है, अब क्या ionization energy का trend है दोनों side? Period की तरफ आपको पता है nuclear charge बढ़ता है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, राइट. ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, दिस इफेक्ट, ठीक है, ये थोड़ा कम प्रोनाउंस होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा बढ़ते हैं शेल्स में, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, क्लियर. सो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, व्हेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम अलोंग द पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ेगी. एंड इफ यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी. ओके, अब बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, यहाँ पर जाके आता है बोरोन. तो यानी कि ये दो एक हो गए और यहाँ पर हम पीरियड की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पीरियड साइड. तो बेरिलियम और बोरोन में से अगर मैं इस साइड जाऊंगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, तो दैट मींस बोरोन की ना आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट ये तो ऑपोजिट कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि बेरिलियम की ज्यादा है. नाउ व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? सिमिलरली दे आर सेइंग दैट नाइट्रोजन की ज्यादा है. So that is not the penetration effect, Raman. इसका आंसर हमेशा आपको कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा. The answer will be in the configuration. 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1. इसको अगर मैं represent करूं orbitals की form में और इसको मैं represent करूं, क्योंकि यहाँ पर p start हो गया है, तो I'll be representing p here. अब आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा? Who do you think is more stable? This, क्योंकि इस ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू दिस वन. ठीक है, नाइट्रोजन का आपका होमवर्क है. ठीक है, नाइट्रोजन के लिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर, तो ये तीन आपके लिए होमवर्क है, मैंने कल पूछ लिया. नाइट्रोजन की भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम की भी और फॉस्फोरस की भी, एल्युमिनियम और सल्फर से, तो रीजन आपने बताना है. ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ओके, रिप्रेजेंट देम इन द ऑर्बिटल फॉर्म, तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, सो रेस्ट वी विल बी डूइंग टुमारो. आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ बेटा.